अच्छा लगा इन प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरे देख के। किसी से भी कितने मासूम बच्चे हैं, इसी में से बड़े होंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, मतलब हर एक पोस्ट पे बच्चे अपने गांव का, अपने देश का, अपने पूरे भारत का बहुत नाम करेंगे। और कहीं ना कहीं उसमें हमारा छोटा सा भी योगदान बच्चे को आगे बढ़ाए, हमें बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ के जो हमारा इतना साथ देते हैं, हम नहीं करते हैं ये सब, हमसे हमारे शिव बाबा करवाते हैं, हम उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं बस, और कराने वाले तो वही हैं, हम तो एक खाली उनके मार्गदर्शक हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आप सब इतना सम्मान देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। पंकज तिवारी जी के जन्मदिन की सर्वप्रथम हमारी तरफ से कोटि कोटि अग्रिम बधाइयाँ, और आज वो अस्वस्थ हैं तो सबसे प्रथम हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि उनको शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ करें और उनको दीर्घायु बनाए रखें, जिनसे हमेशा उनके मन में अच्छे कार्य के और आवश्यकता वाले लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरणा उनको मिलती रहे। हमारे पास उनके शुभकामना के लिए हम कैसे किन शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे महान व्यक्तित्व है उनका, शब्द छोटे पड़ जाएंगे उनको बधाई देने के लिए। हम तो केवल प्रार्थना करेंगे भगवान से कि उनको हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु बनाए रखें, जिससे वो आजीवन अपना स्नेह प्रेम, जैसा कि उन्होंने वचन दिया है विद्यालय परिवार को कि हम हमेशा इस विद्यालय को अपना पूरा सहयोग देते रहेंगे, जिस जन्मदिन अपना यहाँ मनाते रहेंगे। बच्चे पूरे वर्ष उनके कार्यक्रम का इंतजार करते हैं और आज उनकी कमी सभी को, बच्चों को भी खली है, हमको भी खली है, लेकिन संतोष इस बात का है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में भाभी जी को, अर्थात अपनी धर्मपत्नी जी को उन्होंने भेजा है, और उनके भाई भी यहाँ मौजूद हैं, उनके परिवार से सदस्य मौजूद हैं, इसका हमको बहुत ही सुखद अनुभूति हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत पावन अवसर है, और पंकज जी की सोच बड़ी उम्दा है। ऐसी सोच रखने वाले बिरले होते हैं जो पंकज जी जैसी सोच रखते हैं, और ये बच्चे कुछ अपना सूक्ष्म जो उपहार भेंट पाते हैं उनके द्वारा, निश्चित रूप से ये उनके लिए शुभकामना देते हैं, और ऐसी शुभकामना और ऐसा आशीर्वाद निश्चित रूप से उन्हें दीर्घायु प्रदान करेगा और स्वस्थ रहेंगे। और ऐसे लोगों को समाज की ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है, ऐसे लोग बहुत बिरले होते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उनका यह प्रयास सराहनीय ही नहीं, अनुकरणीय भी है, हम लोगों का इसका अनुकरण करना चाहिए और इस कदम पर अग्रसर होना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। अब शुभकामना तो हम यही कहते हैं कि जो बांटते जो खुशी हैं सबके लिए, प्रभु निश्चित रूप से खुशी दे उनके लिए, मैं तो यही कहूँगा। और वैसे भी मैंने चार पंक्तियाँ उनके लिए कहा था, अरे सौभाग्य से जो है शोहरत मिलती है, संपन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, और उस खुशी को जो है बरकरार रखने के लिए हमें बांटना चाहिए। जितना हम खुशी बांटते हैं दूसरों के लिए, उतना ही वो खुशी हमारे लिए आगे अस्थाई होती है। मैंने उनको तो देखा है प्रत्यक्ष रूप से पिछले वर्ष, वास्तव में जैसे उनकी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वैसे उनके सोच, वैसी उनकी सोच भी है। क्योंकि कुछ लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, लेकिन सोच अच्छी नहीं होती है। जैसे सोने का जो है कोई प्याला हो और उसमें जहर हो, विष हो, तो क्या मतलब, और मिट्टी का ही प्याला है और उसमें अगर अमृत है तो जो है पूजनीय होता है, प्रशंसनीय होता है। पंकज जी तो वास्तव में जो है जैसे तन से हैं वैसे मन से भी हैं, ये जो है सोच है वैसे करनी है, और वैसे भगवान ने उनकी काया को भी दिया है, व्यक्तित्व भी उनका वास्तव में बहुत ही सुंदर है। मैंने तो उनसे सामने प्रत्यक्ष रूप से वार्ता भी हुई है पांडे जी के सौजन्य से, तो इसलिए वास्तव में भगवान ने उनको बड़ी फुर्सत में बनाया है और उनकी सोच भी बड़ी ही अजनबी। अब मेरा आपका तो पहली बार मैं आपसे मतलब जो है आपका परिचय हो रहा है, लेकिन वास्तव में जैसी आपकी सोच है पंकज जी की, वैसे ही आपकी भी है, और बहुत अच्छी मैचिंग है, दोनों लोगों की बड़ी उम्दा सोच है। क्योंकि आपके मुखारविंद से जो बच्चों को शुभकामना मिली हुई है वो वास्तव में बड़ी ही जो है प्रशंसनीय है और बड़ी उम्दा है। आपने जो है उनके प्रतिनिधित्व के रूप में साठ में सार में गागर भर दिया, सागर में जो है उन्होंने गागर में सागर भर दिया, तो इसलिए जो है
आप भी जो है काबिले तारीफ हैं, प्रशंसनीय। आप दोनों लोगों का जीवन सपरिवार स्वस्थ प्रसन्न रहें और हंसी खुशी से हरियाली बनी रहे घर में, क्योंकि आप तो खुशी बांट रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, तो आपको खुशी तो भगवान स्वयं देंगे, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। सर पहले तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना, और ऐसे लोगों की समाज में बहुत ज़रूरत है, और भगवान करें वो खूब आगे बढ़ें और ऐसे बच्चों की खूब मदद करते रहें, और यही नहीं उनका जो यश है वो हर जगह फैले। इस पर तो यही कहेंगे, जैसे फिल्मों में अच्छे अच्छे रोल करते हैं तो ऐसा नहीं केवल फिल्मों तक सीमित हैं, वो अच्छा रोल यहाँ समाज में भी निभा रहे हैं, केवल मतलब कथनी तक नहीं है, करनी भी उनके साथ है, इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामना। जान लीजिए वही आए हमारे लिए, आधांग हैं वो और अर्धांगनी है, तो इस नाते उनके बदले ये आई हैं, तो प्रतिनिधि के रूप में इनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना।